अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग के फ़ायदे कौन कौन से हैं और इसके नुकसान कौन कौन से हैं। आज तक हमने यही सुना होगा कि नेगेटिव मार्किंग के सिर्फ नुकसान हैं, हम इससे क्या हो जाते हैं, इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, जबकि इसके फ़ायदे भी हैं। अगर इसका आपने दुरुस्त इस्तेमाल किया तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग का गलत इस्तेमाल किया तो आपके नंबर कम आएंगे, जबकि आपने पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया होगा तो नंबर कैसे आ गए, हम फिर हैरान हो जाते हैं। तो इसके हम केस स्टडी करेंगे इसमें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके नंबर किस तरह कम होते हैं नेगेटिव मार्किंग से। सबसे पहले आपने MCQs में सवालात हल कितने करने हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरिट कितना होता है, यानी आपने टच रहना है कि मेरिट, एवरेज मेरिट कितना होता है उस सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरिट रुकता है 56 पे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जो आएगी उसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए, 56 से अबव चाहिए। तो केस नंबर वन में अगर मेरिट 56 है और आपके MCQs कितने ठीक हैं, 60 ठीक हैं, उसके बाद आपने तमाम जितने तुक्के लगाए वो 40 तुक्के लगाए, वो तमाम अगर गलत हैं तो मेरिट कहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव मार्किंग के बाद, 50 पे। रुका मेरिट कितना था 56, नंबर कितने बने 50, रिज़ल्ट क्या हुआ, फेल। इसकी वजह क्या है, गलत रहनुमाई। जिस तरह हम NTS में करते हैं, NTS में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। NTS में हम क्या करते हैं, तुक्के लगा देते हैं, 100 के 100 तुक्के लगा दिए तो हमारे नंबर तकरीबन 50 पासिंग मार्क्स हैं तो 50 के नज़दीक या 50 क्रॉस कर जाते हैं, रिज़ल्ट पास आ जाता है। लेकिन इसमें आपने उस तरह नहीं करना, इसमें तुक्का लगने के चांसेस कम होते हैं। अगर तुक्का गलत लग गया तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 माइनस कर दिए जाएंगे मेरिट में से। तो सेकंड केस, मेरिट कितना है 56, आपको आते कितने हैं 60, तुक्के कितने लगाए आपने, कोई भी नहीं लगाया, यानी 40 आपने छोड़ दिए, 60 आते थे बिल्कुल ठीक आपको, मेरिट कितना था 56, रिज़ल्ट क्या आया, पास। तो इसकी वजह क्या है, आपको रहनुमाई थी कि आपने नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी इसको आपने यूज़ करना है। आप तुक्के ना लगाएं, आप कोशिश करें अपनी तैयारी के दौरान कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो कम से कम आपको 100 में से 60 MCQs पर आपकी कमांड, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अगर आपको ज़्यादा आते हैं वेल एंड गुड, इससे आपके नंबर्स ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपको नहीं आते तो कम से कम इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके जो एवरेज MCQs जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिनके ऊपर आपने सर्कल लगाना है, वो आपको 60 आने चाहिए। उसके बाद आप इससे तुक्के से ग्रेज करें।